नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल रेल क्रूजर पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोचेस पर लिखे लेटर्स के बारे में और उनका क्या मतलब होता है। जिन कोचेस पर एच लेटर लिखे रहते हैं वो एसी फर्स्ट टायर या एसी फर्स्ट क्लास कोच को डिनोट करता है। इन कोचेस में कूप जिनमें दो सीट और केबिन जिनमें चार सीट रहते हैं यानी H1, H2, H3 फर्स्ट एसी कोच को शो करता है। अब दोस्तों जिन कोचेस पर ए लेटर लिखे रहते हैं वो एसी टू टायर स्लीपर को डिनोट करते हैं। इसे 2A से भी डिनोट किया जाता है। इन कोचेज में एक कंपार्टमेंट में 6 सीटिंग कैपेसिटी होते हैं जिनमें 4 मेन सीटिंग और 2 साइड सीटिंग ऑप्शन रहते हैं। इन कोचेज को A1, A2, A3 इस क्रम में रखा जाता है। अब दोस्तों जिन कोचेज पर B लेटर लिखे रहते हैं वो AC 3 टायर स्लीपर को दर्शाते हैं। इसे 3A भी कहा जाता है। इन कोचेज में एक कंपार्टमेंट में 8 सीटिंग कैपेसिटी रहते हैं जिनमें 6 मेन सीटिंग और 2 साइड सीटिंग ऑप्शन रहते हैं और इन्हें हम B1, B2, B3 ऐसे क्रम में दिखाते हैं। अब आते हैं HA और HB लेटर्स लिखे हुए कोचेज। दोस्तों जिन कोचेज पर HA लिखा होता है उनका मतलब ये है कि ये एक कंपोजिट कोच है, AC फर्स्ट क्लास और AC टू टायर का कॉम्बिनेशन। इन कोचेस को HA1, HA2 इस क्रम में रखा जाता है। और दोस्तों साथ ही HB लिखे हुए कोच का मतलब है कि ये एक कंपोजिट कोच है और इसे फर्स्ट AC और AC 3 टायर का कॉम्बिनेशन में रखा जाता है। इन कोचेस को HB1, HB2 इस क्रम में रखा जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कोचेस जिन पर M लेटर लिखे रहते हैं। ये M AC 3 टायर इकोनॉमी कोच को डिनोट करता है। ये कोचेस मॉडर्न गरीब रथ कोचेस है जिनमें नॉर्मल AC 3 टायर कोचेस से 11 सीट एक्स्ट्रा होते हैं। नॉर्मल LHB AC 3 टायर में 72 सीट्स होते हैं जबकि एक AC 3 टायर इकोनॉमी कोच में 83 सीट्स होते हैं और इन कोच को हम लोग M1, M2, M3 इस क्रम में रखते हैं। G लेटर AC 3 टायर गरीब रथ कोचेस को डिनोट करता है। ये ICF गरीब रथ कोचेस में रहते हैं जिनमें एक कंपार्टमेंट में 9 सीटिंग ऑप्शन रहते हैं जिनमें 6 मेन सीटिंग और 3 साइड सीटिंग ऑप्शन होते हैं। इन्हें G1, G2, G3 इस क्रम में रखा जाता है। C लेटर जिस कोच पर लिखा रहता है उसका मतलब वो शताब्दी जन शताब्दी के सीटिंग AC चेयर कार को डिनोट करता है और जिन कोचेज में E लिखा रहता है वो एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार सीटिंग को डिनोट करता है जो शताब्दी और गतिमान जैसे ट्रेनों में रहता है। E1, E2, E3 इस क्रम में एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार को रखा जाता है और C1, C2, C3 इस क्रम में AC चेयर कार सीटिंग ऑप्शन को रखा जाता है। दोस्तों J जिस कोच में लिखा रहता है या जिनमें J1, J2, J3 इस क्रम में कोचेज रहते हैं वो गरीब रथ AC चेयर कार सीटिंग कोच को दर्शाते हैं। S जिन कोचेज में लिखा रहता है वो नॉन AC स्लीपर कोचेज को डिनोट करता है। इन्हें S1, S2, S3 इस क्रम में रखा जाता है। अब दोस्तों D जिन कोचेज पर लिखा रहता है वो दीन दयालु कोच होते हैं। इन्हें 2S भी कहा जाता है। इनको जन शताब्दी या इंटरसिटी ट्रेनों में यूज़ किया जाता है। इन्हें D1, D2, D3 इस क्रम में रखा जाता है। GS जिस कोच पर लिखा रहता है वो जनरल क्लास को डिनोट करता है। और लास्टली SLR जिन कोचेस पर लिखा रहता है वो पार्सल कम सीटिंग कोच होते हैं जिन्हें ट्रेनों के लास्ट में ऐड किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे और जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।